दोस्तों जुलाई 2024 में कुछ ऐसी हिंदी वेब सीरीज रिलीज की गई हैं जो कि एक्चुअल में वॉच अलोन की कैटेगरी में चली जाती हैं। इनकी स्टोरी आपको सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी, लेकिन इन सीरीज में कुछ ऐसे भी दृश्य दे दिए गए हैं जिसकी वजह से ये सभी सीरीज वॉच अलोन की कैटेगरी में चली जाती है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग न्यू हिंदी वेब सीरीज है आज के हमारे इस काउंटडाउन में। नंबर 6 पर है नफरत इश्क। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाली होगी जो कि क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी लड़की से जो कि पहले लड़कों को अपने प्यार में फंसाती है और बाद में उन्हें बड़ी ही बेरहमी से मार देती है, लेकिन असल में वो उन लड़कों को क्यों अपने प्यार में फंसाती है और उनकी जान वो क्यों लेती है, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज में आप अच्छा खासा थ्रिल एंजॉय करने वाले होंगे, लेकिन इस सीरीज में आपको बहुत सारे ऐसे दृश्य नजर वाले हो जाएंगे जो कि इस सीरीज को वॉच अलोन की कैटेगरी में लेकर जाती है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.2। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं हंगामा प्ले पर। नंबर 5 पर है नताशा एक पहेली। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज बेस्ड है मिस्ट्री और थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। कहानी की शुरुआत होती है नताशा नाम की एक ऐसी लड़की से जिसके पीछे बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें छिपी हुई रहती हैं, और असल में ये मिस्टीरियस चीजें क्या हैं ये जानने के लिए आप इस सीरीज को एक बार जरूर देखिए। सीरीज की स्टोरी स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी जो कि क्राइम थ्रिलर और मिस्ट्री सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। सीरीज की हर एक एपिसोड बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.2। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं MX प्लेयर पर। नंबर 4 पर है 36 डेज। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। कहानी की शुरुआत होती है नेहा शर्मा से जिसे अचानक से ही कोई मार देता है, यानी कि कहानी की शुरुआत में ही आप नेहा शर्मा के डेड बॉडी को देखने वाले हैं और कंप्लीट सीरीज में इसी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, और लास्ट तक मर्डर मिस्ट्री किस तरह सॉल्व की जाती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज में यूं तो अच्छी खासी मिस्ट्री ऐड की गई है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों इसकी प्रेजेंटेशन हो सकता है कि आपको बहुत ही ज्यादा स्लो लगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 4.9। इसे सोनी लिप पर रिलीज की गई है। नंबर 3 पर है बहिष्कारण। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे छोटे से गांव से जहां पर एक सरपंच जो कि बहुत ही ज्यादा अत्याचारी है और वो एक फैमिली के ऊपर बहुत सारा अत्याचार करता है, लेकिन वो फैमिली उस सरपंच से अपना रिवेंज किस तरह लेती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे सीरीज में। सीरीज की कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी, और ये सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी जो कि एक्शन और थ्रिलर सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। सीरीज के हर एक एपिसोड बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट की गई है। एटलीस्ट ये सीरीज आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं करने वाली होगी। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 5। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं Z5 पर। नंबर 2 पर है नरेंद्रास हनीमून्स। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज बेस्ड है कॉमेडी ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। दोस्तों यूं तो आपने बहुत तरह के पैसे कमाने के तरीके देखे होंगे, लेकिन इस सीरीज में पैसे कमाने का तरीका बहुत ही ज्यादा अनोखा है। कहानी की शुरुआत होती है नरेंद्रा से जो कि बहुत ही ज्यादा आलसी इंसान है, लेकिन अचानक से ही वो विदेश जाना चाहता है और विदेश जाने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता है, लेकिन इस पैसे को कमाने के लिए वो बहुत सारी शादियां करता है और लास्ट तक वो विदेश जाने के लिए पैसों का जुगाड़ कर पाता है या नहीं कर पाता है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज की प्रेजेंटेशन सच में अमेजिंग है। इवन ये पूरी की पूरी सीरीज एक यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है। सीरीज के ज्यादातर एपिसोड ही बहुत ही ज्यादा फ्रेश बनाई गई है, लेकिन इसके 5th एपिसोड में आपको कुछ ऐसी चीजें नजर आने वाली होंगी जो कि इस सीरीज को वॉच अलोन की कैटेगरी में लेकर जाती है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.9। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर। नंबर 1 पर है त्रिभुवन मिश्रा CA टॉपर। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी जो कि एक्शन थ्रिलर और डार्क कॉमेडी देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है CA टॉपर से जिसके बैंक में अचानक से ही एक बड़ा स्कैम होता है जिसकी वजह से वो अपने घर का ही खर्चा नहीं उठा पा रहा होता है, और अपने घर के खर्चे को उठाने के लिए वो मेल प्रोस्टिट्यूट बन जाता है, और मेल प्रोस्टिट्यूट बनने के बाद उसकी लाइफ कैसी होती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज में और भी बहुत सारे पहलू हैं जो कि इस सीरीज को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। सीरीज की हर एक एपिसोड आपको सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी। एटलीस्ट ये सीरीज आपको किसी भी जगह पर पकाने वाली तो बिल्कुल भी नहीं होगी। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.9। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।